उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने भोपाल बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में आयोजित वॉल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में भाग लेकर लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। मंत्री पटवारी ने कहा, खेलेगा मध्य प्रदेश तभी तो बढ़ेगा मध्य प्रदेश। इस स्पर्धा में मध्य प्रदेश के कई स्थानों से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इंजीनियर डॉक्टर आईएएस आईपीएस बनाने के साथ साथ मेरे बच्चों को मैं कैसे स्पोर्ट्स के माध्यम से उसका करियर बनाऊं जिससे मेरे मेरे परिवार का देश का नाम रोशन हो, ये हमारी प्रमुख मैं मानता हूं कि प्रयास है। अभी सिर्फ बातों और भाषणों से कुछ नहीं हो सकता है। हमने बहुत परिवर्तन किए ऐसे कि स्पोर्ट्स को सिर्फ सरकार और सरकार से जुड़े हुए संगठन ही आगे बढ़ाएंगे तो संभावना वैसी नहीं बनेगी जैसी हम बात कर रहे हैं। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर में इस क्षेत्र में काम करने वाले जो जो भी प्राइवेट एकेडमीज हो, खेल संघ हो, खेल की हमारी फेडरेशन हो और सरकारी फेडरेशन के साथ एक समन्वय का भाव हो और सिर्फ बातों से नहीं आर्थिक सहायता से। कमलनाथ जी ने निर्णय लिया कि जो पिछली सरकार से लगभग स्पोर्ट्स की इवेंट कराना, खिलाड़ियों की मदद करना और खेल को प्रोत्साहित करने के लिए 1500 गुना राशियां बढ़ाई, 1500 गुना। मैं मानता हूं कि अपने आप में प्रदेश पहला राज्य बना जिसने इतनी बड़ी तादाद में इतना आर्थिक सहयोग करने की भावना के अनुरूप काम किया। हमारा लक्ष्य है हम एशियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक के साथ साथ नेशनल गेम्स में नंबर वन कैसे आए, मध्य प्रदेश नेशनल गेम्स में नंबर वन कैसे आए। आज प्रयास चल रहे हैं, हमने कोशिश की है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो गेम्स पहले से हम जिसको ताकत दे सकते हैं उसे 10 गेम्स का चयन किया गया।